सभी बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं, और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। No, that won't work now if I tell. Today he is voting. What benefit I will get by telling and criticizing? Today only I appeal to everybody, go and vote. And whomsoever they want, they vote. But only thing is that I told you, what mistake they did earlier, they don't want to do it now. And they are repenting it. Because we lost Congress candidate last time, so our development is also stopped. And this time we will not give chance to that complaint. नहीं, वो सब लोग बंदोबस्त, पुलिस का भी अच्छा है, लोग भी एक हो गए हैं। देखो, छोटे मोटे जो भी घटनाएं होते हैं, यहाँ पर पुलिस है और समझदार लीडर्स हैं हर समाज में, वो मिलके काम करते हैं। और इलेक्शन एक अलग चीज़ है, छोटे मोटे घटनाएं होना एक अलग चीज़ है, उसको संभालने के लिए मैच्योर्ड लीडरशिप हर कम्युनिटी में है और वो लोग इसको सुलझा रहे हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। नो, हमने तो ये लेटर जरा थोड़ा दूर, हमने लेटर अपना इलेक्शन कमीशन को इसलिए लिखा है, सॉरी अलायंस को ये लिखा है कि आप सभी लोग इसके बारे में सी से, इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं क्यों ऐसी देरी हो रही है, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट ही देते इलेक्टेड का, इन्होंने इतने वोटों से जीता, इन्होंने इतने वोटों से जीता, तो आपके पास डाटा कैसा नहीं रहता, उसको क्यों 10 दिन लगते हैं? जब डाटा बेसिस पे ही आप इलेक्टेड मेंबर्स को इतने वोट से वो जीता जब देते हैं, तो आपको 10-15 दिन क्यों होना चाहिए? लास्ट टाइम 11 दिन लिए, इज इट नेसेसरी जिस दिन देना? नहीं तो लोगों में एक सस्पिशन होता कि भाई ये ऐसा प्रोविजनल नंबर्स देना और कहना, ये ठीक नहीं है। इसीलिए इसके बारे में हम लोग सीईसी से एक आवाज़ में जाना चाहिए, ऐसा मैंने सभी अलायंस पार्टनर को लिखा हूँ और उनका भी अच्छा रिस्पांस है। एक एक लोग फ़ोन कर रहे हैं और हम वो सीईसी को बताएंगे। असर असर बोले तो आप ही देखिए कि जब ऑलरेडी आपके पास डाटा होते हुए भी आप क्यों नहीं अनाउंस करते उसी दिन, इन्होंने इतने वोट से जीता, इन्होंने और सर्टिफिकेट भी देते हैं आप। ये हमारा इतराज है कि इससे गड़बड़ी कुछ न हो, ये लोगों में संशय है। संशय दूर करने के लिए वो लोग उसी दिन डाटा, शाम में पूरा डाटा देना चाहिए और पूरा मालूम भी हो जाएगा कि सारे देश में कितने वोट गिरे कितने नहीं, ये सारा चीज मालूम होता है। सर, व्हाट डू यू हैव टू स्टेटमेंट्स ऑफ बीइंग मेड बाय द बीजेपी लीडर्स इन टर्म्स ऑफ वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इनहेरिटेंस टैक्स? देखो, अब उसका बात करने से कोई फायदा नहीं है, आज इलेक्शन है, इलेक्शन की बात हम करेंगे जब वक्त का है, अभी डिबेट करेंगे पार्लियामेंट में जब आए तब। तो ये सब चीज़ें अब इलेक्शन के वक्त
ये बोलना अब आज के दिन बोलना ठीक नहीं लगेगा. To the CEC, it's going to be beneficial for the public. Do you believe there's going to be proper action taken by them? No, we feel that CEC is there to correct its mistakes. In democracy, we should not allow anybody to go with wrong methods. So, therefore, it is our duty to point out the mistakes, and the suspicions of the people should be cleared. That Congress is creating this image. They've been trying to create this image as if BJP is anti-Muslim. We are pro-Muslim is what he said. That's, you might have told your channel. And his behavior is also always, people are suspecting how he speaks, how he behaves. Today election is there, he's telling. But every time he tells, that you find out his history and background, then talk. Sir, what do you think that the last चुनाव से अलग है जिन पर मतलब वोट कर रही है जनता? जनता तो वोट डेमोक्रेसी बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए वोट कर रही है. और महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत बड़ा है. इसके लिए लोग जमकर वोट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जनता को भी थोड़ी इसमें जागृति आई है.